पर हाँ अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप कह रहे हैं तो आपके आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में तिल हो कि ये सच हो जाए। आईफा के ग्रीन कार्पेट पे खड़े होकर जो मैं हर साल देखता था टीवी पे, आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। वन ऑफ माय डैड्स फेवरेट स्टार्स एंड माइन टू, सलमान खान परफॉर्म कर रहे हैं इस बार आईफा पे, तो मेरे लिए एक लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सलमान खान की परफॉर्मेंस के लिए। आईफा के ग्रीन कारपेट पे हमारे साथ हैं एक हैंडसम हंक जिन्होंने टीवी पे धमाल मचाया हुआ है और इस बार आईफा में भी धमाल मचाने के लिए तैयार हैं, कुणाल जयसिंह। कैसा लग रहा है इस बार? अलग ही माहौल है, अलग ही आपका एक्सपीरियंस है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आई फील फॉर्चुनेट कि मैं आईफा के ग्रीन कारपेट पे खड़े होकर जो मैं हर साल देखता था टीवी पे, आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और इतने बड़े बड़े एक्टर्स, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ एक स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला है। सो आई एम ऑफ द रूफ। जैसे कुणाल आप बता रहे थे कि आप इतने दिनों से आईफा, इतने सालों से जब चल रहा है देखते आ रहे हैं, कौन सा ऐसा स्टार है जिसकी परफॉर्मेंस के लिए, जिसको रेड कारपेट पे आप तैयार हैं, जिसके लिए प्रिपेयर किए हैं आपने? क्योंकि मुझे पता चला है कि वन ऑफ माय डैड्स फेवरेट स्टार्स एंड माइन टू, सलमान खान परफॉर्म कर रहे हैं इस बार आईफा पे, तो मेरे लिए एक लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सलमान खान की परफॉर्मेंस के लिए। और सलमान के साथ साथ माधुरी दीक्षित जैसी डांसिंग लेजेंड हैं, उसके अलावा कटरीना, खूबसूरत कटरीना कैफ भी हैं, आपके पास वो सब आने वाले हैं, सब आपसे बात करने के लिए, कितना किस तरीके से आप क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्या फन सेगमेंट होने वाले हैं उनके साथ? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बहुत नर्वस होने वाला हूँ कि इतने इतने बड़े बड़े सुपरस्टार जिनको मैं बचपन से, जब मैं पैदा नहीं हुआ तब से वो एक्टिंग कर रहे हैं और मूवी इंडस्ट्री में हैं, तो वो मेरे साथ खड़े होंगे, मेरे बाजू में होंगे, तो सबसे पहले मैं अपनी नर्वसनेस को ठंडा करने की कोशिश करूँगा। पर जैसे आएंगे उनके साथ मैं कुछ फन करने की कोशिश करूँगा, तो मैंने कभी सोचा नहीं है ऐसे कि क्या सवाल पूछने वाला हूँ, पर देखते हैं। और आज का कैसा रहा, क्या कुछ परफॉर्मेंस देख पाए आप? नहीं, परफॉर्मेंस तो अभी तक देख नहीं पाया हूँ मैं, पर आज का एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल था, तो आई एम वेटिंग फॉर 18th। और आपके कमाल के जो शो हैं, जो चाहे वेब पे आ रहा हो या टीवी पे, हर जगह आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो बढ़ती जा रही है उसकी तादाद, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? एक और चीज़, अभी ये भी कहा जा रहा है कि इश्बाज़ 2 भी आ रहा है और आपको उसमें ज़रूर देखा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इश्बाज़ 2 के बारे में मुझे आपसे पता चल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं अभी तक, और एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है। पर हाँ अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप कह रहे हैं तो आपके आपके मुँह में घी शक्कर, आपके मुँह में तिल हो कि ये सच हो जाए। थैंक यू सो मच। और लास्ट में अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको सबसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है कि मैं आज जहाँ हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, एक्चुअली सब आपकी बदौलत है, आपकी वजह से हूँ। सो थैंक यू गाइज, एंड कीप लविंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच कुणाल पाटा। थैंक यू सो मच।